हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब के? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर व्लॉग। और आज हम आपको दिखाएंगे रियाद की स्ट्रीट फूड स्ट्रीट। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे आई विल शो यू स्ट्रीट फूड इन रियाद सऊदी अरेबिया। सो लेट्स गो। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी स्ट्रीट सुलेमानिया में, एक नहीं बल्कि दो तीन, जहाँ पर सिर्फ रेस्टोरेंट्स है, ओनली रेस्टोरेंट्स। सो एंजॉय योर फूड। ये पहला फूड स्ट्रीट का मोहसिन अल अमाम। सो फ्रेंड, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक वेंडर्स ऑन स्ट्रीट सेलिंग फूड एंड स्नैक्स टाइप थिंग्स, बट दिस इज़ अ स्ट्रीट ऑफ रेस्टोरेंट्स, कैफेज लाइक दैट। This is another. So you can see a lot of cafes and beautiful restaurant. This is Shakiushi. अरे हाकी सुशी। अरे लफ्जी ऐसे जो मुंह से ना आए, ना चाइनीज वर्ड या जापानीज वर्ड लिखे होंगे, तुम कहाँ मुंह से बोल पाएंगे। हाकी उशी है और मैं सुशी बोल रही हूँ। दिस स्ट्रीट इज फुल ऑफ स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज। तो हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे। तो बच्चे ढूंढ रहे हैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट। तो भाई, हमारी जो खोज है वो जारी है और हम ढूंढ रहे हैं एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट इस स्ट्रीट पे। बाकी आपको भी दिखा रहे हैं, इस लाइन में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और कैफेज़ हैं दोनों साइड में। अच्छा, इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसको डेकोरेट भी किया हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही खूबसूरत ओरिजिनल ओरिएंटल टेस्ट। Guys, you can see कि there are a lot of restaurant and cafes on this street, and there are more. I'll show you. Beth Karam. See how beautiful this place is. Jordan Jude Sweets. और ये देखिए, ये जो धुआं निकलता है ना पानी का, बहुत ही खूबसूरत है। जाइए, स्वीट्स खाइए, जाके दे रहे हैं। ऑल दीज आर रेस्टोरेंट्स। दिस इज रीवल बलद एंड दिस इज शर्मा हाउस। दिस इज नॉरेंज ट्री। इतना खूबसूरत एम्बियंस है इसका, गार्डन पूरा उन्होंने बना के रखा हुआ है। नेक्स्ट, जनादा कितना खूबसूरत लग रहा है ना सालिया, अच्छा लग रहा है। कितना प्यारा सा उन्होंने एक ये क्या इसको कहेंगे, ट्रॉली कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुत ही प्यारी सी है। इसमें छोटी छोटी डक्स बिठाई साले, डक के अंडे भी हैं। ये देखिए, अंडे भी हैं, ब्रेड्स हैं, टर्किश ब्रेड होती है ये। ये ब्रेड्स है, टर्किश नहीं है, ये टर्किश ब्रेड होती है। एंड दिस इज द रेस्टोरेंट, मतलब टर्की में भी खाई जाती है ये। चलिए, अब हम अपने लिए कोई जगह ढूंढते हैं, वहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं। हम और अफराज ढूंढ रहे चाइनीज़ रेस्टोरेंट, पर हमें कोई चाइनीज़ नहीं यहाँ पे मिला, एक जापनीज़ मिला। तो जापनीज़ का तो पता नहीं क्या टेस्ट होगा, आई डोंट नो। तो विल गो एंड फाइंड आउट एनी चाइनीज़ रेस्टोरेंट हेयर इंशाल्लाह। ओके गाइज, दिस इज़ अनदर स्ट्रीट लेन ऑफ रेस्टोरेंट एंड कैफेज़ इन सेम एरिया सुलेमानिया इन रियाद सऊदी अरेबिया। तो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ कैफेज एंड रेस्टोरेंट एंड ब्यूटिफुल एम्बियंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, और एक बॉलीवुड नाम से भी है, और एक ये लेबनीज बिस्ट्रो है। यहाँ पर हमने पहले एक बहुत अच्छा सा बर्गर खाया था, चीज़ी, तो उसकी वीडियो भी है मैं शेयर करूँगी। देखिए, गलीपो करके है, ये सीरियन
है, और उसके बाद फिर और भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, एक बाप टूना करके है, और उसके आगे भी एक और है अरबिक, जहाँ पे मैंने अरबिक फूड का पहले वीडियो डाला था। ये पूरी स्ट्रीट आप देख सकते हैं सिर्फ रेस्टोरेंट्स रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ है, तो इसलिए मैंने कहा पूरा पूरा फूड स्ट्रीट है, सेम लाइक अपने वहाँ जहाँ जैसे होता है। तो इट्स वेरी गुड प्लेस फॉर एनी फूडर। तो ये हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे उनसे। तो हम अपने चाइनीज खाने की तलाश में आ गए हैं पांडा चाइनीज रेस्टोरेंट। ओके चलिए, लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड आउट क्या क्या मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ पर। फाइनली वी फाउंड द चाइनीज रेस्टोरेंट इन रियाद, एंड दिस इज़ पांडा एक्सप्रेस चाइनीज रेस्टोरेंट, एंड होप वील गेट गुड फूड हेयर इंशाल्लाह। यस विल सीट हियर। इसका एम्बियंस चेक करिए, बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर हम बैठेंगे। ये हमारा मेन्यू है, और हम इसमें से चूज़ करते हैं हमें क्या चाहिए। अभी देख लीजिए इसमें क्या क्या है, क्या खाना है चूज़ करिए। किसान कार्ड हाथ से नहीं पकड़िए, पापा पापा देखते हैं, मैं देखती हूँ। अच्छा जी, हम ऑर्डर देने के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में ये देखिए किचन, ओपन किचन है, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपकी डिश को कैसे बना रहे हैं। तो ये वन ऑफ यू नो गुड पॉइंट हियर, सो यू पीपल कैन सी वी आर ऑर्डरिंग फूड हियर, एंड आई हैव शोन यू द किचन ऑल्सो, द ओपन किचन, सो दैट यू कैन सी हाउ दे आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर अस। अच्छा ये मुझे बड़ा मज़े का लगा ना, यहाँ से खड़े होकर आप अपनी डिश तो देख ही सकते हैं कैसे बन रही, साथ आप सीख भी लीजिए चाइनीज़ बनाना। तो वैसे मुझे आता है, लेकिन फिर भी कुछ तो आइडिया मिल ही जाता है, और बहुत ही हाइजीन तरीके से बना रहे हैं। इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस वॉचिंग ओन डिश हाउ दे आर मेकिंग। तो हमारा कितनी देर में मिल जाएगा हमको, कितनी देर में ऑर्डर आ जाएगा? 5 मिनट बस। 5 मिनट, थैंक यू सो मच। हमारी ब्रेक्स आ गई हैं और खाने का इंतज़ार है, तो खाना आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। खाना हमारा आ गया यहाँ पे, हमारा चाइनीज फूड है, एक चीज़ और रह गई अभी, वो भी आनी है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। बच्चे तो खाने में लगे, और अफराज का तो फेवरेट है चाइनीज़, ये देखिए सालिया को बहुत जल्दी में है सालिया। सूप थोड़ा खट्टा लग रहा है ना, सूप नहीं अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह हमारा खाना तो पूरा हो गया है, और अफराज के लिए स्प्रिंग रोल रह गया था, ये फाइनली खा रहे हैं अफराज। सालिया आपने क्या फिनिश किया बेटा, याम बहुत ही अच्छा चाइनीज़ था। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, पांडा चाइनीज़ रेस्टोरेंट एंड रियाद, पांडा एक्सप्रेस, तो दिस इज़ वेरी गुड रेस्टोरेंट, और इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा है, बहुत ही ऑथेंटिक है, माइल्ड है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। प्राइसेस आर एवरेज, नॉट टू हाई नॉट टू लो, तो आप मतलब ओवरऑल इट्स वेरी गुड रेस्टोरेंट विद गुड टेस्ट ऑफ फूड, एंड वी रियली एंजॉय दिस। अच्छा यहाँ पे खाना तो हमारा हो गया है, अब हम बाहर जा रहे हैं, और आगे बच्चों ने आइसक्रीम खाने की डिमांड की है। चलिए बैठिए, देखते हैं क्या इनको खिलाना है। तो अफराज को चाहिए है आइसक्रीम, आइसक्रीम फर्स्ट खाएंगे। जी जी, मैकडी आ गए हम लोग, और यहाँ पर से आइसक्रीम लेंगे, खाना तो हमने खा लिया है।
नहीं नहीं बस ये हमारी आइसक्रीम आ गई। थैंक यू। ओके लेट्स गो आउट। दिस इज टॉफी, दिस इज स्ट्रॉबेरी एंड साले इज हैविंग प्लेन वन। हाँ साले आपको प्लेन अच्छी लगती है? तो भाई अब हमारी आइसक्रीम भी आ गई है, इसको खाऊंगी गाड़ी में और फिर हम घर जाएंगे। तो आज का व्लॉग कैसा रहा बताइएगा। आज हमने स्ट्रीट फूड ऑफ रियाद दिखाया आपको और चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तो मैं कह रही थी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, इसको नहीं मेरे चैनल को, इसको भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी मेरी न्यू नोटिफिकेशंस वीडियोस की आपको मिलेंगी। और लाइक देना ना भूलिए प्लीज़, कमेंट करिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सो विल मीट इन टू अ नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन फ्रेंड्स बाय बाय।